सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऐसा है हम लोग फेमा देख रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हमने पहले इसकी हिस्ट्री देखे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको इसके ऊपर सवाल पूछने के चांस एकदम निग्लिजिबल है। फिर हमने देखा सेलेंट फीचर्स वगैरह, देखा एनफोर्समेंट कैसे होता है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा फिर प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बताता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, तो बताया गया है कि इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जिसका मेन मकसद क्या है, टू फैसिलिटेट द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पेमेंट। तो ये मेन मकसद है, फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, एंड दूसरा फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट है वो ऑर्डरली प्रॉपर प्रकार से डेवलप हो, मेंटेन हो, ये इसका मकसद है। फिर इसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर वन बताता है कि ये किस किस को अप्लाई होता है। तो यहाँ बताया गया है इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय दी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसको भी अप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर इनके द्वारा भी कोई कॉन्ट्रवेंशन होगा बाहर की ब्रांच, तो उसमें भी सेम पेनल्टीज लगेगी जो भारत में अप्लाई होती है। फिर हमने देखा डेफिनेशंस। डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन थी ऑथोराइज डीलर की। ऑथोराइज डीलर का मतलब है ऑथोराइज पर्सन की, जिसमें ऑथोराइज डीलर इज द फर्स्ट पर्सन, मनी चेंजर सेकेंड पर्सन और तीसरा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। फिर हमने देखा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को भी और डीप में समझने का थोड़ा वक्त आ गया है, तो बहुत ज़्यादा तो वैसे अभी डीप में बचा नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी देख लिया, बट अभी एक दो पॉइंट और इसके ऊपर देखने बचे हैं। जैसे अब मैं आपको ये बताऊंगा कंटिजेंट लाइबिलिटी वर्ड क्यों लिखा गया है यहाँ पे, जब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की बात हो रही बट जब आउटसाइड इंडिया की बात हो रही तो क्यों नहीं लिखा गया है, तो वो हम समझेंगे। सो ये एक पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये सेक्शन 6(3) जो है ये हमको पढ़ना है, यानी सेक्शन 6 पढ़ना है इनफैक्ट। तो सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बताए गए हैं, उसमें फिर 6(3) में क्या लिखा हुआ था वो मैं बताऊंगा आपको। एट प्रेजेंट आपके लिए अब डेफिनेशन कितनी रिलेवेंट है, तो एक्चुअली यहीं तक के आपकी डेफिनेशन अब रिलेवेंट होती है, क्योंकि इसके आगे का जो पॉइंट है ये अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये रिलेवेंट अब नहीं है। ठीक है, सो पहले कैपिटल अकाउंट हमने देखा, इसका बेसिक एकदम सिंपल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब है कि एनी ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स दी एसेट और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन्स विच ऑल्टर्स द एसेट और लाइबिलिटीज आउटसाइड इन इंडिया ऑफ द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बाहर के व्यक्ति की भारत की एसेट लाइबिलिटी ऑल्टर होगी तो कैपिटल अकाउंट है, भारत के रेसिडेंट की बाहर की कोई एसेट लाइबिलिटी या कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर होगी तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। फिर इसके बाद करेंट अकाउंट समझा। करेंट अकाउंट को नेगेटिवली डिफाइन किया है, इट मीन्स विच इज़ नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो कैपिटल नहीं है वो करेंट अकाउंट है। फिर इसमें लेकिन आगे इंक्लूड किया है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग इट इंक्लूड्स पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, करेंट अदर करेंट बिजनेस वगैरह, फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ले रहे हैं। बाकी ये तो जनरली है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, लिविंग एक्सपेंस ऑफ फैमिली एंड फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन वगैरह टाइप की चीज़ें। फिर एक्सपोर्ट समझा था हमने, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इम्पोर्ट सब देखा था। तो मैंने बता दिया था एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपको इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर्सन देखे थे हमने, ये भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट वैसे काम की होती है डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, वेदर रजिस्टर्ड नॉट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड एनी एजेंसी ब्रांच और ऑफिस विच इज़ कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन, तो वो भी हमारे लिए पर्सन है। इसके बाद हमने देखा कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का बेसिक मतलब है पर्सन जो भारत में रहता है पिछले साल फॉर मोर देन 182 डेज। तो वो अगर पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रहा है तो वो हमारे लिए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, और अगर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो फिर वहाँ पे इसको वो अप्लाई होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा जब वो ट्रांजेक्शन करता है कोई नॉन रेसिडेंट से, ये हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, ऐसे बजट में तो कुछ दिया नहीं बट लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया अपन ने वेस्ट नहीं किया अपना टाइम, है कि नहीं। फालतू बजट देखते बैठे रहते हैं फिर पता लगता कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अपने को लालच दी गई, बोला गया कि वोट दो हमको फिर आगे देंगे, आगे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह कुछ आ सकते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू, ज़रूर मिला। आप लोग टैक्स भरते हैं तो उससे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो अभी टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो उसके लिए थैंक यू बोला गया। ठीक है, हाँ अपन वेलकम बोल देंगे बस, और क्या। ठीक है, बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं। पहले एक टाइम पे तो सिर्फ 1% भारत की जनता टैक्स भरती थी, अब वो थोड़ा बढ़ गया है तो 3% के आसपास आ गया है, सो रिटर्न्स भी फाइल नहीं करते थे, तो बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं। लेकिन जो भरते हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो वो फिर लाखों करोड़ों में भरते हैं। सो बाकी जो सैलरी वाले हैं उनको तो बेचारों को ऑप्शन ही नहीं होता, तो उनको तो जो सैलरी है उस पर ऑटोमेटिक TDS कटता है, फिर टैक्स उसमें लग ही जाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, अपन लोग इसमें प्लानिंग कर सकते हैं बहुत प्रकार की, फिर भी उसके बावजूद खतरनाक टैक्स आ जाता है। तो पैसा कमाओगे तो टैक्स आएंगे, पैसा कमाओ इतना पैसा कमाओ कि टैक्स भरने का टेंशन ना रहे। वैसे टेंशन रहता है क्योंकि बहुत टैक्स आ जाता है ना, 30% अति हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 30% स्लैब में जाते हैं तो, अगर नहीं जाते तो फिर ठीक है, 10-15%, 20% तक तकलीफ नहीं लगती, पर 30% भर देना इन्हें भारी पड़ता है। 10 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए सरकार ले जा रही फोकट में। सो होता है ना, सही में होता है, अखरता है फिर। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, लीगली जितना बचा सकते हैं बचाते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल का ITR बताऊंगा मैं आपको, तो मेरी क्या 2-2.5 लाख की इनकम है बस, सच में। हाँ हफ्ते की नहीं, देखो बताऊँ क्या, हंसना मत, बस बता रहा हूँ मैं। अरे यार ये वाले लैपटॉप में है ही नहीं, क्योंकि नहीं, ये मैंने अभी नया लिया ना, इसमें मेरा ड्रॉप बॉक्स नहीं डाला हूँ मैंने। ड्रॉप बॉक्स में वो क्लाउड में स्टोर होता है, अब क्लाउड स्टोरेज इस पे अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए दिखेगा नहीं, लेकिन सच में 2.5 लाख की इनकम है मेरी। तो HUF में भी क्या टैक्स नहीं भरना पड़े उतनी इनकम है, बेचारे गरीब लोग हम लोग। तरीके होते हैं, जानबूझ के लॉस बताना पड़ता है कभी कभी, होता है। ठीक है, होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, आप समझोगे आगे चल के, जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हम लॉस कैसे क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं, फिर कभी कभी प्रॉफिट्स हमारे जितने एग्जेम्प्ट है वहाँ तक लाके अपन ने छोड़ देना चाहिए। जैसे मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख तक के अगर मैं शेयर्स में ट्रेड करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता हूँ तो टैक्स नहीं लगता, तो वो 1 लाख तक लाके छोड़ दिए, तो 1 लाख के ऊपर है तो फिर टैक्स लगता है। सो ऐसे, हाँ नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पिछले साल मेरा रिटर्न जानबूझ के कम गया है, क्योंकि मेरे को पता था इस साल प्रॉफिट बहुत खतरनाक होने वाला है। सो इस साल F&O में मेरा शेयर मार्केट में बड़ा काम है ना, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ना हो, बट कभी कभी हो ही जाता है। अब जैसे यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे मैंने ट्रेड मार दिया, 20-25 हज़ार रुपये कमा लिए, तो ऐसा, हाँ नहीं एक्चुअल में होता है ये, तो आपको बताऊँगा एक आध दिन कभी। F&O वैसे सबसे ज़्यादा रिस्की होता है फ्यूचर ऑप्शंस में, अगर आपने डीमेट अकाउंट खोला होगा ना, तुरंत आपको एक, आजकल ज़रूरी है, कंपलसरी है, सेबी बताता है कि 90% लोग F&O में लॉस में रहते हैं, और जो कमाते हैं वो भी मैक्सिमम 50 हज़ार का ही प्रॉफिट कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाते, तो फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो। तो ये सलाह मेरी भी आपको रहेगी, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो। एक्चुअली लोगों को समझता नहीं, कुछ भी करते रहते हैं, ऑप्शंस खरीद रहे, बेच रहे, कुछ भी करते हैं। सो बहुत कम लोग प्रॉफिट में होते हैं, जैसे एक आपके सामने बैठा एक व्यक्ति है जो प्रॉफिट में है। और अच्छा प्रॉफिट में है, यानी मेरा लगभग 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है अभी तक के। और हो सकता था लेकिन मैंने रोक दिया फिर, क्योंकि टैक्स बहुत लग रहा, फिर दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें प्रॉफिट कमा रहे। तो मेरे को पता था इस साल टैक्स ज़्यादा आने वाला है, इसीलिए पिछले साल के रिटर्न कम डाले गए। और अपने हाथ में होती है बहुत सारी चीज़ें, कम डालेगा यानी अपन लीगली प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चोरी कर रहे हैं, अपन चोरी नहीं कर रहे हैं। तो इस साल मैं 30% में जाऊंगा तो वो भारी पड़ेगा मेरे को, तो इसीलिए वो ऐसा मैनेज करना पड़ता है कि अपना जो प्रॉफिट है वो 30 से कम तक आए। बट इस बार कुछ भी करो मैं जाने ही वाला हूँ, और अगले साल भी जाने वाला हूँ, क्योंकि टैक्स में कोई एग्जम्पशन दिए ही नहीं, बढ़ाना चाहिए उन्होंने, कुछ बढ़ाया ही नहीं, तो अपन जैसे गरीब लोग बेचारे वही 2.5 लाख 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, फिर बाद में टैक्स लगना चालू हो जाता है। ठीक है, न्यू रेजिम में जाओगे तो थोड़ा फायदा ज़्यादा है, तो क्योंकि उसमें आप पढ़ोगे आगे चल के तो बाद में पता लगेगा सब, तो है बहुत सारी चीज़ें। चलो वापस आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस आएंगे। हम देख रहे थे कि अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो पहली कंडीशन है कि वो अगर 182 डेज से ज़्यादा रहा है भारत में, ये तो रट गया होगा ना।
सो 182 डेज से ज़्यादा पिछले साल रहा है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है। फिर पिछला साल हम नहीं देखते, अगर वो व्यक्ति जा रहा है बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए, तो हम फिर पिछले साल कितना भी रहा है हम बोल देंगे वो अब रेसिडेंट नहीं है। जिस दिन वो चला गया उस दिन से वो रेसिडेंट नहीं है, यानी नेक्स्ट डे से, तो आज गया तो कल से वो रेसिडेंट नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कोई भारत में आ रहा है अदरवाइज देन इस चीज़ के लिए नहीं आ रहा है, पिछले साल रहा नहीं रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आ रहा है अदर देन एम्प्लॉयमेंट जॉब, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब या फिर बिजनेस प्रोफेशन या फिर अनसर्टन पीरियड, तो ऐसे केस में अगेन वो नॉन रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर ये तीन चीज़ के लिए आएगा, वो बिजनेस करने आ रहा है, जॉब करने आ रहा है, तो रेसिडेंट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिछले साल कितने दिन था नहीं था, वो हम इग्नोर करते हैं। फिर हमने देखा, इसी को बहुत डीप में समझा, खूब सारे एग्जाम्पल्स देखे और उसके बाद हमने शुरू किया जो ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें पहले तो प्रोहिबिशन लगाए गए हैं सेक्शन 3 के द्वारा, 3 और 4 ये दोनों ही चीज़ रोकते हैं। पहले बोला है कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा जब तक वो ऑथराइज पर्सन नहीं है, यानी ऑथराइज पर्सन से डील नहीं कर रहा तब तक के वो डील नहीं कर सकता। दूसरा, वो पैसा पे नहीं कर सकता किसी फॉरेन नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे या नॉन रेसिडेंट को, वैसे ही वो पैसा रिसीव नहीं कर सकता अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर वो ऑथराइज पर्सन से भी रिसीव कर रहा है, उसके थ्रू भी कर रहा है, तो भी इट इज़ कंपलसरी कि एक इनवर्ड रेमिटेंस की कॉपी आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स आपको पैसा कहाँ से, कौन से देश से आ रहा है, उस देश का एक बैंक है वो आपको इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट देगा, वो आपको चाहिए। फिर आप हवाला ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जिसमें बाहर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टीज क्रिएट हो रही है, ये अलाउड नहीं है। पहले तो सबको मना कर दिया। उसके बाद फिर सेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का अगर रहवासी है तो भारत के बाहर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अक्वायर, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज अक्वायर करना, होल्ड करना, पजेस करना, ये नहीं कर सकता। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया, तो ये तीन चीज़ नहीं कर सकते, पहले ये मना किए हैं। अब हम जब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें परमिट की गई है। ठीक है, फिर हमने देखा था करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसको वैसे तो जनरली हम देखते हैं तो इनकम टैक्स वगैरह के हिसाब से जो करेंट नेचर का है, जिसमें कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं होता, उसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी डेफिनेशन नहीं है, यहाँ सिंपल है कि भारत के बाहर एसेट लाइबिलिटी अगर मेरी क्रिएट हो रही है तो कैपिटल अकाउंट है, नहीं तो करेंट अकाउंट है। उसी प्रकार बाहर वाले व्यक्ति की भारत में एसेट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो कैपिटल अकाउंट है, नहीं तो वो करेंट अकाउंट है। सो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर से मशीन मंगाता है, उसका वो पेमेंट तुरंत कर देता है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। भले इनकम टैक्स पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये कैपिटल अकाउंट है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इसको हम करंट अकाउंट बोलेंगे। फिर अगर क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल गई है तो भी ये करंट अकाउंट है, क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ये चीज़ लिखी गई है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के नेचर के हैं, बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसको भी हम करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कवर करते हैं। फिर ये तो सिंपल था, गिफ्ट के बारे में पढ़े थे हमने। अगर भारत का व्यक्ति बाहर वाले को अगर कोई गिफ्ट दे रहा है इंडियन करेंसी में, भारत आया था ये, उसका कोई कजिन है, भाई है, कोई भतीजा है, वो भारत आया था, उसको हमने गिफ्ट दिए, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति की भारत में एक एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से अपोजिट होगा तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। हम बाहर गए, बाहर चाचा जी हैं, चाचा जी ने हमको $1,00,000 गिफ्ट कर दिए, ये हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा बाहर एक एसेट क्रिएट हुआ। सो ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जनरली परमिटेड होते हैं अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जनरली प्रोहिबिटेड होते हैं अनलेस स्पेसिफिकली और जनरली परमिटेड। फिर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है वो हम देख रहे थे एक एक करके, जिसमें हमने दो शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 बताता है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करना चाहते हैं फॉर दिस पर्पज तो इट विल नॉट बी अलाउड, सो ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड फॉर दिस पर्पजेस। जैसे लॉटरी से आपने पैसा जीता है, कोई रेस वगैरह में पैसा जीता है, या रेस वगैरह की कोई इनकम है, वो इनकम को आप रेमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। फिर बैंड प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। लॉटरी टिकट्स, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक्स, इनके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त नहीं होगा। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जहां हमको गुड्स भेजने के बदले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मिला है, तो ऐसे केसेस में जो ब्रोकर है, ब्रोकर को हम कमीशन नहीं पे कर सकते इन फॉरेन करेंसी। फिर
डिविडेंड बैलेंसिंग जिसको अप्लाई होता है, तो अब ये वैसे काम का नहीं है बट अभी भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। सो डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट जिसको अप्लाई होती है उसको डिविडेंड बैलेंसिंग का जो पैसा बाहर ले जाते हैं उसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली अलाउड ही नहीं है कि इंडिया का पैसा आप लेके जाओ। फिर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, जो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से एक्सपोर्ट हुआ है, सो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट ये यूएसएसआर के साथ अपना होता है, जिसमें हमको पैसा ना आते हुए क्रेडिट नोट आता है। तो ऐसे केस में भी जो व्यक्ति ब्रोकर है जिसने हमको ये कॉन्ट्रैक्ट करा के दिया, इसको हम कमीशन नहीं पे कर सकते इन फॉरेन करेंसी। इसको हमको पैसा अगर देना है तो इंडियन करेंसी दे सकते हैं, नहीं तो फिर इसको कोई गुड्स वगैरह के रूप में कमीशन दिया जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप टी और टोबेको के एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक के आप कमीशन पे कर सकते हैं इन फॉरेन करेंसी। फिर कॉल बैक सर्विसेज के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा फॉरेन करेंसी। एंड जो नॉन रेसिडेंट स्पेशल अकाउंट होते हैं, रुपी स्कीम अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट इनकम होती है, वो इनकम को बाहर ले जाने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलता। फिर शेड्यूल टू में हमने देखे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें प्रायर अप्रूवल लगता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगता है ये भी आपको याद रखना है। जैसे जब कल्चरल टूर्स होते हैं तो कल्चरल टूर्स के लिए आपको अप्रूवल लगता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें भी कल्चरल टूर है तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगी। फिर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, ये अगर भारत के बाहर कोई प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करती है और एडवर्टाइजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। एक, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉरेन टूरिज्म, फॉरेन वालों को टूरिस्ट करके बुलाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर बिडिंग हो रही है, जैसे ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन के केस में भी ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी कोई ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें हम बाहर में प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लगती है। अगेन, अगर 10,000 USD से अंदर होगा तो परमिशन नहीं लगेगी, तो 10,000 USD तक चलता है। इससे ज़्यादा होगा तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर कोई शिप आ रहा है उसका फ्रेट पे कर रही है तो ये इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन ली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, ठीक है। तो चार्टरिंग विंग होता है, उससे आपको परमिशन लेना है। उसी के अलावा अगर आप कोई इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप मीन्स वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU जो कि CIF बेसिस पे कर रहा है, जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों मिला हुआ है और हम उसको तीनों का पेमेंट एक साथ करेंगे, ऐसे केस में हमको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर FOB या FAS बेसिस है तो परमिशन नहीं लगती, सिर्फ फ्रेट के लिए परमिशन लगेगी बट बाकी पेमेंट करने के लिए नहीं लगेगी। लेकिन CIF बेसिस है तो पूरे पेमेंट के लिए आपको परमिशन लगेगी, ठीक है। और CIF बेसिस है तो ये वाला पॉइंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेट आप पे नहीं कर रहे, तो फ्रेट आगे वाले ने पे कर चुका है, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म्स उनका मकसद है फ्रेट को ही कवर करना, फ्रेट कितना दे रहे हैं एक्सेसिव तो नहीं है, वो मेन उनका मकसद है, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट की परमिशन लगती है, चार्टरिंग विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, जो लोग मल्टी मोड से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इनके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं भारत के बाहर, उनको जो पेमेंट किया जाता है वो भी आफ्टर परमिशन लिया जा सकता है, किया जा सकता है। DG ऑफ शिपिंग जो होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है, सेम मिनिस्ट्री है ये। सो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड परमिशन दोनों ली जाती है। फिर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स, ट्रांसपॉन्डर्स सेटेलाइट होते हैं जिनको ऊपर लगाया गया है, ऊपर यानी भेजा गया है, आपको पता है ना, रॉकेट रॉकेट भेजते हैं, सेटेलाइट घूमते रहता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बचपन में पढ़ा था मैंने, मैं साइंस वाला हूँ ना, रॉकेट साइंस होता है उसमें, रॉकेट को कैसे फेंकना पड़ता ऊपर। सो हाँ है वो एक्चुअल में, अब है क्या पता नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे आज से 20 साल पहले, सो 20 साल हो गए, हाँ यार 20 साल हो गए, मैं 2003 में 10th पास हुआ था मैं पुरातन कालीन हो गया। सो 2003 में 10th पास हुआ था, 2005 में 12th हो गया और 2006 में फाउंडेशन। उस टाइम डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि 5 के बाद तुरंत 12th की एग्जाम हुई और CPT दे दो, ऐसा नहीं था, फाउंडेशन नहीं होता था उसमें। ऐसा होता था कि 2005 में मेरा 12th हुआ, एक साल पूरा पढ़ाई करो और 2006 में मैं फाउंडेशन अपियर हो सकता था, तो वहाँ मेरा एक साल का लॉस हुआ। सो बाद में मेरे साथ में नीरज सर वगैरह जो है मेरे बाद के बैच के हैं, बट एग्ज़ाम उनकी मेरे साथ में ही हो गई थी,
साथ में या पहले ही हो गई होगी शायद, क्योंकि वो न्यू कोर्स में आए थे और मैं ओल्ड कोर्स में था। कभी कभी होता है ऐसा नुकसान कोर्स बदलने से। सो मेरे टाइम पे कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का था। वो ऐसी दो ही बैच रही है 1 साल, जिनका ड्यूरेशन 5.5 साल का था। आर्टिकलशिप मेरी 3.5 साल की थी, बाकी किसी की नहीं थी, ज़्यादातर लोगों की 3 साल की होती है। तो मेरे टाइम पे वो कोर्स चेंज हुआ था, तो सिर्फ दो बैच ऐसी थी उस टाइम पे, 3.5 साल की उनको आर्टिकलशिप करना पड़ा था। सो होता है, ठीक है, तो हमने 3.5 साल नरक में बिता चुके हैं, अब आप लोगों को 2 ही साल रहेंगे, ठीक है, बदलते हैं रूल्स। तो हाँ, तो ये रॉकेट भेजते हैं अपन, रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो ऊपर भी कचरा करके रखे अपन ने, ये एक्चुअल फैक्ट है, ऊपर खतरनाक कचरा है। सो स्पेस में भी कचरा हो चुका है, पता होगा शायद आपको, स्पेस में इतना कचरा हो चुका है, बोलते कि अपन इन्हें कुछ भेजेंगे तो भी टकराने के चांसेस है, इतना कचरा हो चुका है स्पेस में भी। तो बहुत सारी चीज़ें भेज दी ना अपन ने, सब सैटेलाइट वेटेलाइट घूम रहे इधर उधर, तो कई बंद हो गए, घूम रहे लेकिन अभी भी। सो सैटेलाइट को भेजा ही ऐसा जाता है कि घूमते रहते हैं वो, सो उसमें कोई पावर थोड़ी रहता, वो ऑटोमेटिक, वो ग्रेविटी वगैरह के पूरा, उसमें सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब इक्वल होता है, ऐसे दो फोर्स होते हैं, तो फिर वो गोल घूमते रहता है। हाँ एक्चुअल में साइंस है। तो रॉकेट को ऊपर भेजो, धक्का देना, धक्का ज़्यादा जोर के दोगे तो वो ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा, तो एकदम परफेक्ट धक्का होना, फिर वहां जाके वो पलटता है, वो पलट के ऐसा धक्का मारना पड़ता है उसको। हाँ सच में, फिर ऐसा धक्का भी जोर के नहीं मारना, अगर आप जोर के मांगोगे मारोगे तो वो ऊपर कहीं चला जाएगा ऑर्बिट के बाहर, धीरे मारोगे तो गिर जाएगा जमीन पे, उसको एकदम परफेक्ट धक्का मारना पड़ता है कि वो घूमते रहे। जब सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रकार होते, इक्वल होंगे, तो घूमता रहेगा। सो घूमते रहते, पता है क्या आपको, साइंस वाले होंगे ना, कुछ साइंस वाला कोई नहीं है, अच्छा है ना साइंस वाले, ऐसा होता है, पढ़े थे आपने। सो रॉकेट साइंस है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो, धक्का कितना मारना कि घूमते रहे, वो सैटेलाइट का वेट वो सब रहता है। सो ये साइंस में पढ़ाते थे हमको, तो यही सैटेलाइट जो है ना, ये घूमते रहते हैं। अब इनके हर कोई अपने सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता, ज़्यादातर लोग जो है दूसरे लोगों से उसकी सर्विस ले लेते हैं, उसके चार्जेस पे करते हैं। ये चार्जेस पे करने के लिए अगेन आपको परमिशन चाहिए। दो लोग होते हैं जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसमें टीवी चैनल्स है, तो ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से परमिशन लगती है। उसी प्रकार से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो आईटी वगैरह का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी से परमिशन लगती है, ठीक है। फिर रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, तो ये बताया था मैंने, कंटेनर जब डिटेन होते हैं, पड़े रहते हैं, इसके चार्जेस लगते हैं। अगर ये एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है जो डीजी ऑफ शिपिंग का, उससे अगर ज़्यादा जाता है तो फिर आपको परमिशन लगती है, अगर ज़्यादा नहीं जाता तो आपको इसमें कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट, डीजी ऑफ शिपिंग। तो ये तो ऐसे ही याद रखोगे आप, डीजीएस है ना, याद रहेगा आपको। फिर प्राइस मनी, अगर आप पे कर रहे हैं और वो USD 1 लाख के ऊपर जा रहा है, और आप नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल की कोई बॉडी नहीं है, तो आपको फिर परमिशन लेके ये पैसा पे करना है, ठीक है। परमिशन वही HRD, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स है तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाली जो डिपार्टमेंट है। रेमिटेंस ऑफ PNI क्लब, सो जो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब होते हैं, उसका अगर आप कोई पैसा पे कर रहे हैं मेंबरशिप के रूप में, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन से परमिशन चाहिए। ऐसा है, तो याद हो जाएंगे, अभी एकदम नहीं हुए होंगे ऊपर के, ये हो गए होंगे अब, क्योंकि ये 2 दिन हो गए तो ये याद हो गए होंगे, बट ये वाले भी याद हो जाएंगे। और इसमें भी ये छोटे छोटे जो एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है आपको, कि 10,000 रुपये, फिर अगर टूरिज्म है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल बिडिंग है, तो उसके लिए परमिशन नहीं लगती, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ PSU और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वालों को ही लग रहे हैं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ तक ये 3 पार्ट, ये सिर्फ उनको ही लग रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या PSU में कवर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, ये था अब तक हमने देखा, अब आगे। सो आगे दिया हुआ है, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल Schedule 3 में। Schedule 3 जो है, ये अब ऐसी चीजें बताता है जिसमें आपको परमिशन लेना पड़ता है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो RBI से आप अप्रूवल लेके ये कार्य कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चीजें बताई गई है, इसको 2 हिस्सों में इन्होंने विभाजित किया है Schedule 3 को। पहले इन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए अलग रख दिया, और फिर जो बाकी के लोग हैं अदर देन इंडिविजुअल्स, जैसे फर्म, कंपनी, AOP, BOI,
इनके लिए अलग है। तो शेड्यूल टू को, शेड्यूल थ्री को दो हिस्से में विभाजित किया है। इसमें आपको आरबीआई की अप्रूवल लगती है, लेकिन बाद में इन्होंने एक स्कीम निकाले थे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम निकाले हैं, इसको LRS भी बोलते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम में इन्होंने सोचा कि यार हर चीज के लिए परमिशन लेना ये गलत है, क्योंकि पहले के टाइम पे ये चलता था, बट अब सरकार ये नहीं चाहती कि इतना स्ट्रिक्टली हम लोग इनको रेगुलेट करें। अब इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। सो हमको पूरा रेगुलेट नहीं करना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन लेते बैठेंगे। और इसीलिए यहाँ पे ये वाले ट्रांजेक्शन में भी एक ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे दिया है, अगर आप 2.5 लाख USD तक के पैसा निकालते हैं तो ये ट्रांजेक्शन अलाउड रहेंगे, तो इसमें आपको फिर परमिशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 2.5 लाख USD के ऊपर अगर आप इसका पेमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ परमिशन लगती है आरबीआई से, अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। तो ये 2.5 लाख USD की लिमिट भी आपको ध्यान रखना है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में दिया हुआ है। तो ये आगे लिखा है तो पढ़ते हैं अपन। सो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम निकाली गई थी, जिसका मेन मकसद यही था कि फेमा के प्रोविजंस को उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहते थे। ये तुरंत ही निकल गई थी जब ये एक्ट बना, आप देखो तुरंत ही ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम निकल गई। तुरंत ही इन्होंने निकाल दिया था कि एक्ट बनेगा और तुरंत ये स्कीम भी अप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप ये 2.5 लाख USD तक के पैसा ले रहे हैं तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी परमिशन वगैरह लेने की। तो इंडिविजुअल्स के लिए ये रखा है, और आप देखेंगे इसमें कुछ बेसिक वाले ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। जैसे आपको अगर घूमने जाना है, कहीं विजिट के लिए जा रहे हो आप दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए फिर हर जगह आप परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2.5 लाख USD तक आपको लग रहा है तो परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और 2.5 लाख USD बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना 2 करोड़ रुपए हो रहा था अपना 80 के हिसाब से अगर पकड़े तो, 80 का रेट पकड़े तो। सो इंडिविजुअल्स कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पस विद इन द लिमिट ऑफ USD 2,50,000 ओनली। यहाँ तक के आपको कोई अप्रूवल नहीं लगती, इसके ऊपर जाएगा ना तो फिर अप्रूवल लगेगी। तो पहले ये ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं। आगे लिखा है कि प्रायर अप्रूवल लगेगा अगर इससे एक्सेस में अगर विड्रॉल लग रहा है तो। सो एनी एडिशनल रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ द सेड लिमिट, इसके लिए इट शैल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतने लिमिट तक के अप्रूवल नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये फ्रीली परमिटेड है 2.5 लाख USD तक के, ठीक है। सो इसी को दूसरे हिसाब से देखो तो फ्रीली परमिटेड है, अप टू 2,50,000 USD। क्या क्या कवर होता है? बहुत ही बेसिक, पहला प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। आप कोई दूसरे कंट्री जा रहे हैं उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, पैसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2.5 लाख USD तक अगर चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये 2.5 लाख पर पर्सन है, एक एक व्यक्ति की लिमिट देखी जाती है। आप अगर किसी और के साथ जा रहे हैं, आप है, आपकी कोई फ्रेंड है या आपके कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है ना। फैमिली मेम्बर है, जैसे मैं समझो मैं और मेरी वाइफ हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, तो घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में दोनों को 2.5 लाख USD तक के परमिशन रहेगा। क्या हो गया? जाते हैं लोग घूमने, जनरली बैचलर्स जाते हैं, तो इसीलिए शायद आप हंस रहे हैं। अच्छा, आपको याद है क्या वो जोक आपके क्लास में मारा था? मैं फाउंडेशन में ऐसे जोक मारता नहीं हूँ, जनरली इंटर में मारता हूँ। फाउंडेशन में एक आध बार हो गया होगा, लेकिन अच्छा 2 बार हो गया। ठीक है। तो वो वैसे ही हो गया ना, एक्चुअली वही है। अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हो थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, दैट मीन्स आप डब्बा लेके रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ऐसे ही चलो और कुछ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर घूमने जा रहा हूँ तो ऐसे केस में मुझे 2.5 लाख USD मेरे भी अलाउड है और वाइफ के भी अलाउड है, तो ये पर पर्सन की लिमिट रहती है, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पर्सन पहले डिफाइन किया है, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF, तो हर व्यक्ति को ये लिमिट्स मिलने वाली है, ठीक है। तो 2 जन जा रहे हैं तो दोनों जन को ये लिमिट्स मिलने वाली है, ठीक है। परिवार के 5 लोग जा रहे हैं तो सबकी लिमिट्स गिनी जाएगी, इंक्लूडिंग माइनर्स, माइनर को भी गिना जाता है, उसको भी तो खर्चा लगता है ना। माइनर भी जाएगा, उसके भी लिए अलाउड है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं लगता, बट ये 2.5 लाख की जो लिमिट है ना, आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट मीन्स ये सब मिला के है,
जितने भी ये ट्रांजेक्शन है सब मिला के 2.5 लाख USD तक की लिमिट है, फिर भी बहुत होता है। यानी आप 2 करोड़ के साल भर में फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन फ्रीली कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ RBI, ठीक है। तो ये वाले नेचर के हैं। तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, इसके लिए फॉरेन करेंसी लगती च नहीं। सो नेपाल भूटान के लिए नहीं लगती। नेपाल में तो आप यहाँ से पैसा लेके जाओ और वही पैसा देके वहां की करेंसी मिल जाती है आपको, और नहीं भी है तो आपकी यहाँ की करेंसी वहां चलती है फ्रीली, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप अगर कहीं घूमने जाओगे, पशुपतिनाथ है वहां पे, एक मंदिर है, वो ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो उसमें अगर आप घूमने जाते हैं तो वहां पे आपको नॉर्मल अपने पैसे आप लेके जाओगे तो भी चलेगा। तो आपके वो 100 रुपये ले लेंगे, 140 रुपये वापस करते हैं, यानी उनकी करेंसी 140 मानी जाती है। तो 40% ज़्यादा देते हैं वो अपने को। अपनी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, उनकी वैल्यू कम है, ठीक है। वो ज़्यादा दे रहे हैं दैट मीन्स वैल्यू कम है, ठीक है। जैसे अपन 1 डॉलर के लिए 85 रुपये दे रहे हैं तो वैल्यू कम है, ठीक है। अच्छा नहीं है ये, तो अपन बोलते हैं अरे 85 का 90 हो गया, तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये खराब हो गया, क्योंकि अब हमको 1 डॉलर खरीदने को 90 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो एकदम लॉजिक पे सोचो आप, उसको लॉजिक से सोचोगे तो समझेगा। अगर हम 1 डॉलर भी खरीदते हैं तो अब हमको 90 रुपये देना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही, डी वैल्यू हो रही है वो, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है अपने लिए। और करेंसी अगर मजबूत होती है दैट मीन्स उसका रेट कम हो रहा है। समझो 75 रुपये का 1 डॉलर हो गया तो करेंसी मजबूत हो गई, ठीक है। अगर 75 रुपये दे के 1 डॉलर मिल रहा है दैट मीन्स रुपीज स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। ऐसा होना अभी मुश्किल है, अब देखते हैं आगे जब अपन डेवलप होते जाएंगे और, तो देखते क्या होता। चलो नेपाल और भूटान को छोड़ के बाकी के देश में अगर आप जा रहे हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज 2.5 लाख USD तक के परमिटेड है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम RBI। फिर गिफ्ट और डोनेशंस, गिफ्ट और डोनेशन आप दे रहे हैं 2.5 लाख USD तक के, ये भी चलेगा, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन नहीं होती। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब बाहर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो तुरंत हमको पैसा तो मिलना चालू नहीं होता। यहाँ से कुछ पैसा हम लेके जाते हैं ताकि हमको वहाँ पे खर्चे के लिए हो जाए। जैसे हमको वहाँ पे जाके अगर एक रूम लेना है रहने के हिसाब से, खाने वगैरह का खर्चा है, कंपनी पहले से पैसा कुछ कंपनीज देती भी है कुछ नहीं देती है। अब हमको वहाँ जाके रहना है तो उसका पैसा हम यहाँ से लेके जाएंगे, उसके लिए भी 2.5 लाख USD तक के अलाउड है, ठीक है। फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हम वहाँ शिफ्ट हो गए, पूरा देश छोड़ के हम दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। जैसे मुझे लगता है कि यार अब अपने को भारत में नहीं रहना, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, भारत छोड़ो मैं नागपुर छोड़ के जाने को तैयार नहीं हूँ। हाँ सच में। मैं इसीलिए तो मेरे को भी जॉब के बहुत अच्छे ऑफर्स थे जब CA बना था, तो बट मेरे को नहीं फैमिली के साथ रहना था, इसीलिए मैं कहीं छोड़ के नहीं गया। मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हूँ इन मामले में, तो मेरे को पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। परिवार वगैरह होना चाहिए, दोस्त यार होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रायोरिटीज़ होती है। तो मैं पढ़ाई को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना बहुत लोग देते हैं। मैं तो सोचता हूँ मेरी बेटी पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं आजकल, हर कोई कर लेता। आप देखो ना, जो नहीं भी पढ़ा है अच्छा खासा जीवन जी लेता है वो। ऐसे एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई मत करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे टेंशन नहीं लेना चाहिए कि यार पढ़ नहीं रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं वक्त को ज़्यादा कीमत देता हूँ। जैसे मेरे परिवार वालों का वक्त है, मेरा वक्त है, इतने से दिन बचे हैं मेरे जीवन के, तो गिनती के 10,000 दिन बचे हैं मेरे जीवन के। अब वो 10,000 दिन मैं अगर बाहर जाके रह लूँगा, 3 साल भी बाहर चला गया, 4 साल, तो मेरे वो दिन कम हो गए, फैमिली के साथ नहीं रहने को मिल रहा। इसलिए मैं प्रैक्टिकली बहुत सोचता हूँ वो चीज़ें। दिन बहुत नहीं है ना, छोटा सा जीवन होता है। 70 साल की उम्र, 60 साल की उम्र पकड़ लिया अगर मैंने, तो मेरी आधी जीवन तो आधा जीवन निकल चुका है। 35 साल का हो चुका हूँ मैं अब बाद में, हाँ मैं 35 का हूँ, 35 का हूँ, दिखता नहीं है बट लेकिन अब वो बचे खींचे जो 30 साल बचे, समझो 1 साल में 365 दिन, 10 साल में 3,650, मतलब 30 साल पकड़ लो तो 10-12 हज़ार दिन बचे सिर्फ। अब वो 12 हज़ार दिन अगर मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जितने भी बचे हैं। और ये तो अपने दिन हो गए, पेरेंट्स के पास और कम दिन होते हैं। बहुत मैं प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में, तो मैं इसीलिए पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ इमोशनल मत हो बट सच यही है, तो अपन उतना प्रैक्टिकली सोचते नहीं ज़्यादातर लोग, बट मैं वो सोचता हूँ। तो लेकिन जो लोग जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, जो वापस आते भी नहीं, कई बार लोग नहीं चाहते तो वो चले गए तो वो नहीं आते, कई बार तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते बट वहाँ शिफ्ट हो जाते।
ऐसे केस में अब वो चले गए तो उनको यहां से जो पैसा है ये लेके जाएंगे, तो उनको भी यहां से 2.5 लाख USD तक परमिशन नहीं लगती है। अब ये वाले पॉइंट में ना एक स्पेशल और पॉइंट दिया हुआ है, इमिग्रेशन वाले पॉइंट में एक चीज और लिखी है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई देश के कानून ऐसे होते हैं जिसमें बोला जाता है अगर आप हमारे देश में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा लेके आना ही पड़ेगा, सो कंपलसरी होता है। और अगर आप उसको सिटीजनशिप भी दे देते हैं वो लोग, जैसे आप कोई देश में जाना चाहते हैं तो कई जगह ऐसा है कि आप 2 लाख USD लेके आओ, 1 लाख USD डोनेट करो तो आपको हम डायरेक्ट सिटीजनशिप दे देंगे, आपको वहां रहने की भी जरूरत नहीं, आप पहले से नहीं भी रहे हैं तो भी चलता है। तो आप वहां सिर्फ 1 लाख USD लेके जाओगे तो आपको सिटीजन बना देंगे वहां का, तो उनको डोनेट करना पड़ता है, बाकी अपना खर्चे के लिए लगते हैं। तो अब 1 लाख USD या 2.5 लाख USD तो मैं डोनेट ही कर दूंगा, बाकी का मेरे को खर्चे को भी लगेगा। सो ऐसे केस में इन्होंने अलाउ किया है कि आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, इसके लिए भी परमिशन नहीं लगेगी, लेकिन आपको एक लेटर लगेगा। किसका? तो जिस देश में आप जा रहे हैं वहां की सरकार से एक लेटर मिलेगा आपको कि आपको हमारे देश में आने के लिए समझो 3 लाख USD लेके आना पड़ेगा, उन्होंने लिख के दिया है हमको। अगर वो लिख के दिया है ना तो फिर हमारे लिए 2.5 लाख की लिमिट काम नहीं करेगी, फिर 3 लाख तक के हम पैसा निकाल सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI, अगर वहां की सरकार का हमारे पास लेटर है तो। ठीक है, सो इमिग्रेशन में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, और दो जगह दिया है वैसे ये एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट में भी दिया है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है, 2.5 लाख तो वैसे परमिटेड है, लेकिन मैं जाता हूँ बाहर दूसरे देश में, वहां पे इलाज करवाने के हिसाब से मैंने चेकअप कराया, उन्होंने बोला कि भैया देखो आपको 5 लाख USD का खर्चा होगा, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई आपको और आपको अगर इलाज कराना है तो 5 लाख USD लगेंगे। अब 2.5 लाख की विड्रॉल मैं विदाउट परमिशन ले सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल बोल रहा है 5 लाख लगेंगे। ऐसे केस में अगर मैं वो लेटर लेके आता हूँ तो उसके बेसिस पे मैं 5 लाख USD भी निकाल सकता हूँ विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। सो सिंपली मेरे पास वो लेटर रहना चाहिए, तो जब मैं फॉर्म भरूंगा, रीजन दूंगा, उसके साथ में ये लेटर अगर लगा दूंगा तो मुझे इजिली फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ RBI। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट के लिए। उसी प्रकार से स्टडीज अब्रॉड, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं भारत के बाहर, तो इस केस में भी अगर आपके कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने लेटर लिख के दिया है कि आपका ये जो कोर्स है इसका टोटल अमाउंट आपका 3 लाख USD होगा, अब 2.5 लाख तो अलाउड था लेकिन आपको लग रहे 3 लाख USD, तो आप ये कॉलेज का यूनिवर्सिटी का लेटर लगा दो, ये लेटर के बेसिस पे आपको 3 लाख USD अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन जगह पे ये एग्जम्पशन है, बाकी जगह 2.5 लाख की एब्सोल्यूट लिमिट है, और 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको RBI से परमिशन लगेगी। सो वही दिया है, इमिग्रेशन यानी आप जब छोड़ के जा रहे हैं, पूरा देश छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। वैसे ही मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, सो कोई क्लोज रिलेटिव है उसको पैसा दे रहे हो आप, अब्रॉड में भेज रहे हो उसको पैसा, तो ऐसे ही केस में भी 2.5 लाख USD तक के अलाउड है विदाउट एनी परमिशन। ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, ये बिजनेस ट्रैवल्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, फॉर मीटिंग एक्सपेंस, फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मीटिंग मेडिकल एक्सपेंस, चेकअप अब्रॉड, और फॉर अकम्पनींग एज अटेंडेंट, तो आप खुद एज पेशेंट नहीं बट एज अटेंडेंट टू पेशेंट जा रहे हैं, तो ऐसे केस में भी 2.5 लाख USD आपको अलाउड रहेगा। ठीक है, सो पेशेंट के साथ जा रहे हैं जो पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट है अब्रॉड, सो अगर वो खुद पेशेंट अपने लिए पैसा निकाल रहा है तो इसमें कवर होता है, लेकिन दूसरा अटेंडेंट जो है वो इसमें कवर होता है। इसके लिए 2.5 लाख की एब्सोल्यूट लिमिट है, लेकिन इसके लिए आप 2.5 लाख से ज़्यादा विड्रॉल मांग सकते हैं। जैसे मेरे को बीमारी का खर्चा आ रहा है 5 लाख USD, तो अगर 5 लाख USD का मैं लेटर लेके आ जाता हूँ तो 5 लाख USD भी मुझे मिल जाएगा विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। फिर एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड एंड एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, एनी एडिशनल रेमिटेंस, अगर आप इससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लगता है, नहीं तो नहीं लगता। ठीक है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस की बात हो रही है। ठीक है, सो इंडिविजुअल के केस में ये बेसिक रूल आपको अप्लाई होगा। आगे वही पॉइंट दिया है, हाउएवर फॉर द पर्पजेस मेंशन इन दी आइटम नंबर्स, आइटम नंबर ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, आइटम नंबर ये नहीं जो ऊपर बताया है, आइटम नंबर 4, 7 एंड 8, 4, 7 एंड 8 अबाउ,
द इंडिविजुअल मे अवेल, अगर उसको ज्यादा लग रहा है तो ही मे अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 4 टू फेमा रेगुलेशन, इफ इट इज सो रिक्वायर्ड बाय कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट, या फिर द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये तीन केसेस में आपको उनके लेटर के हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा आपको मिल जाएगा विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। सो ऐसा है। फर्दर इफ एन इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, ऐसा नहीं कि जीवन भर में 2 करोड़ की लिमिट हो गई, ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर, इस साल आपने खर्चा किया, अगले साल फिर आपको ये लिमिट फिर से मिल जाएगी, ठीक है। सो फर्दर इफ एन इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट अंडर द सेड लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन द एप्लीकेबल लिमिट फॉर सच इंडिविजुअल विड बी रिड्यूस फ्रॉम USD 2.5 लाख बाय द अमाउंट्स ऑफ रेमिटेड। तो ये इन सिंपल टर्म्स ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो लिमिट्स हैं ये पूरी मिला के है, आपने एक पर्पज के लिए पैसा दे दिए, गिफ्ट डोनेशन दे दिया, 20,000 रुपये पे कर चुके हो, $20,000, तो बचा हुआ जो है $2,30,000 आपका अभी भी लिमिट है, ठीक है। तो ये लिमिट जो है ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है। फर्दर दैट फॉर अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, जो रेसिडेंट तो है बट परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, एंड इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के अलावा, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑन डेप्यूटेशन ऑफ द ऑफिस और ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। सो एक भारत का नागरिक सिटीजन जो कि भारत के बाहर से भारत में आया है डेप्यूटेशन में, डेप्यूटेशन यानी कोई जॉब से रिलेटेड कुछ काम करने आया है, जैसे होता है एक प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे छोड़ दिया उसको, यहाँ का काम वो देख रहा है, और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया, भारत में उसको भेजा गया है, ऑफ सच फॉरेन कंपनी, ये रेमिटेंस कर सकता है अप टू हिज नेट सैलरी। तो दोनों को अलाउ कर दिया, पहले बोला सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट जो भारत आ रहा है, दूसरा बोल दिया सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं नेट सैलरी तक के, जो लोग भारत में काम करने को आ रहे हैं। अब सोच के देखो, मैं समझो भारत के बाहर हूँ, एक फिरंगी हूँ, नॉन रेसिडेंट फॉरेन पर्सन हूँ, सो मैं वहां से रेसिडेंट हूँ बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट हूँ, मैं वहां से भारत आ रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ जॉब, तो जॉब करूंगा तो मैं सैलरी कमाऊंगा, अब सैलरी में से मुझे मेरे परिवार को भी तो पैसा भेजना पड़ेगा, तो वो पैसे को आप भेज सकते हैं, इसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की लिमिट अप्लाई नहीं होती। कितना रुपया आप भेज सकते हैं, नेट सैलरी, सो जो टोटल आपको पैसा मिल रहा है वो पूरा भेज सकते हैं, या बाहर का व्यक्ति है भारत आया, भारत में उसको सैलरी मिल रही है, अब उसको अपने परिवार को पैसा भेजना है, सो नेट सैलरी अमाउंट वो भेज सकता है, सो भले फिर $2.5 लाख से ज्यादा जाएगा तो भी। अब नेट सैलरी का क्या मतलब है, तो नेट सैलरी का मतलब है सैलरी लेस डिडक्शन ऑफ टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एंड अदर डिडक्शंस। तो ये जो कंपल्सरी डिडक्शन है ये माइनस करेंगे क्योंकि वो तो देना ही है यहाँ पे, इसके बाद जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो पूरा का पूरा भी भेज सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ही कैन सेल द सेंड द होल अमाउंट, सो ये पूरा का पूरा पैसा भेजा जा सकता है भारत के बाहर। फिर अगला पॉइंट एक्सप्लेनेशन का है, इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है ये। फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइटम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इर रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ देयर ऑफ, कितने भी साल के लिए हो सकता है 2 साल के लिए वो यहाँ पे है, और फॉर स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स इज कॉल्ड एज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। 3 साल के ऊपर जाएगा तो फिर वो परमानेंट रेसिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। सो ये जो वर्ड यूज किया है कि रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वो रेसिडेंट तो है क्योंकि भारत में रह रहा है, वो 182 दिन हो गए या जॉब के लिए आया है तो रेसिडेंट तो बन गया, बट क्योंकि वो परमानेंटली रिसाइड नहीं करेगा, 3 साल के पहले वो वापस चला जाएगा, तो ऐसे केस में ही इज डीम्ड एज नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। तो ये जो वर्ड है इसको डिफाइन किया है। सो नॉट परमानेंटली रेसिडेंट का मतलब है उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और पाकिस्तान पैसे नहीं भेज सकते हम, सो पाकिस्तान छोड़ के बोला है, सो सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान,
ठीक है, पाकिस्तान के व्यक्ति को ये अलाउड नहीं रहेगा। फिर फर्दर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल में ऑल्सो अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी। तो ये ऊपर जो पॉइंट्स है तो पूरे इंडिविजुअल के लिए बताए गए हैं। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, अब म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वैसे का वैसा, जैसा बताया वैसा का वैसा, सो सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको लीगल लैंग्वेज में, लेटिन फ्रेज में म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोलते हैं। एक्चुअली उसको म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोलते हैं, सो म्यूटेटिस नहीं है वो, उसको अगर आप लैटिन फ्रेज बोलोगे ना तो उसमें म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो लेटिन वर्ड है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सो ये बहुत जगह दिखेगा आपको, कंपनीज एक्ट में भी। अब हम क्योंकि बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, तो बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ड्स दिखेंगे कि जो ये सेक्शन बोलता है वैसा का वैसा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ठीक है, सो जैसा इंडिविजुअल पैसा निकाल सकता है उसी प्रकार से लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अप्लाई होगी बाकी पर्संस को भी। सो वो कैसे अप्लाई होगी तो वो आगे फिर अपने को बताया गया है, कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी वैसे के वैसे अप्लाई होगी। तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब है वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, जैसा ऊपर बताया है वैसा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम वैसे का वैसा अप्लाई होगा। आज खतरनाक बढ़ गया मार्केट। फिर फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको क्या फैसिलिटीज अलाउड है। सो बेसिक ये ध्यान रखो, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, ये मैंने आपको ऐसे बताया, ध्यान रखना है आपको ये इंडिविजुअल्स के लिए है। और ये भी जब तक 2.5 लाख तक नहीं जा रहा है तो आपको परमिटेड है फ्रीली, और ये कॉम्प्रिहेंसिव लिमिट है, ओवरऑल लिमिट है सबको जोड़ के। अभी तो मैं आपको सिर्फ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो लिमिट है ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इट इंक्लूड्स इवन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों मिला के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2.5 लाख USD अलाउ करता है। ठीक है, विदाउट परमिशन 2.5 लाख USD अलाउ किया गया है, दोनों मिला के है ये। अभी हमने क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं पढ़ा तो वो अभी बताने का है। ठीक है, तो अभी सिर्फ करेंट अकाउंट ध्यान रखो, ये सब मिला के लिमिट्स हैं, ये सब लिखा हुआ है, सबको इंडिविजुअल लिमिट मिलती वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे बताया है, ये कंसोलिडेट कर सकते हो आप सबके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से। तो अगर 10 लोग हैं फैमिली में, 10 के 10 लोग जा रहे हैं तो सबकी अलग अलग लिमिट रहेगी, सब कंसोलिडेट करके आप विड्रॉ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दी इंडिविजुअल लिमिट्स। तो इंडिविजुअल लिमिट खत्म हो चुकी है तो फिर उसके लिए नहीं मिलेगा। फिर अदर देन इंडिविजुअल्स को क्या फैसिलिटीज है फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करने की, विद द परमिशन ऑफ RBI। शेड्यूल 3 जो है RBI का अप्रूवल लग रहा है, शेड्यूल 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन थे, आप वो कर ही नहीं सकते थे। आपको याद रखना है शेड्यूल्स, याद रखना है शेड्यूल का नाम याद रखना है। ठीक है, सो आपको जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लिखोगे कि ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है एज पर शेड्यूल 1। ये कहाँ पे बताया गया है, तो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स है। ठीक है, तो आपको ये रूल का नाम भी ध्यान रखना है, वो वैसे ही याद रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स शेड्यूल 1। ठीक है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000 शेड्यूल 2 प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वैसे ही करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 बताता है RBI की अप्रूवल, लेकिन फिर बाद में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलती है 2.5 लाख USD तक के परमिटेड है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विदाउट एनी परमिशन। हाँ, सेम रूल रहेगा। अगर आपके पास फॉरेन क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, वहाँ फिर ये रूल नहीं लगता। तो वो भी देखेंगे, वो भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ प्रोसीजर में एग्जम्पशन दिखेंगे आपको, एग्जम्पशन में दिया है अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है उससे आप पेमेंट करते हैं अब्रॉड, तो फिर ये एक्सपेंडिचर जो है इसके लिए अगेन आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ही कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 इफ़ ही इनकर्स इट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। ठीक है,
तो वहां पे फिर आपको परमिशन नहीं लगेगी क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे थे। फिर फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, द फॉलोइंग रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है डोनेशंस। अब ये बेसिक से पॉइंट्स है एकदम। डोनेशंस एक्सीडिंग 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, तो एक लिमिट ये है, ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर्स, तो पिछले 3 साल की आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है सबको जोड़ो, उसका 1% निकालो, ये पहला। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ये जोड़ना है आपको ऑफ 3 ईयर्स, डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1%, सो ये एक लिमिट हो गई। और दूसरी लिमिट 50 लाख USD, USD विच एवर इज लेस। इतना आप डोनेट कर रहे हो, अगर डोनेशन दे रहे हो किस चीज के लिए, तो ये भी स्पेसिफाइड है, क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे आप चेयर्स बना रहे हैं। चेयर्स मीन्स ये वाली चेयर्स नहीं, चेयर बनाने का मतलब है चेयर की जो पोजिशन होती है वो क्रिएट करने को, जैसे चेयरमैन की पोजिशन है उसके लिए कुछ फंड्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सैलरी वगैरह के लिए फंड्स बना के रखे हैं, सो वो चेयर कहलाता है। चेयर का मतलब कुर्सियाँ नहीं बना रहे, जैसे हम बोलते हैं ना पीएम की चेयर है, तो ऐसा नहीं कि पीएम की चेयर है, लकड़ी की कुर्सी है उसकी बात हो रही है, वैसी बात नहीं हो रही, वो पोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जब हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चेयर्स, दैट मीन्स वो पोजिशन के लिए आपने डोनेशन दिया है, कि चेयरमैन की पोजीशन के हिसाब से हमने डोनेशन दिया है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एक डोनेशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, ये भी डोनेशन है, नॉट बीइंग एन इन्वेस्टेड फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एंड तीसरा कोई और कंट्रीब्यूशन जो ऐसी एक्टिविटी में काम कर रहा है जो डोनर कंपनी से जुड़ा हुआ है, इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। सो ऐसा कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को आप डोनेट कर रहे हैं, या कोई बॉडी ऑफ और एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन को आप डोनेट कर रहे हैं, तो ये डोनेशन की लिमिट है। अगर ये लिमिट से ज़्यादा जाएगा तो परमिशन लगेगी, ये लिमिट के अंदर डोनेशन है तो कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इसके ऊपर जाएगा, दो लिमिट है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ 3 ईयर क्या है उसको डिवाइड बाय 3 करो, सिर्फ फॉरेन की अर्निंग, और उसका 1%, तो ये बाहर का पैसा कमाया है इतना आप 1% इसका डोनेट कर सकते हो। ठीक है, 1% तक के परमिशन नहीं लगेगी। और 50 लाख USD, सो विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से कम होगा। सो अगर आपकी ये अर्निंग बहुत ज़्यादा है, समझो ये 1% अमाउंट आपका आया 1 CR, 1 करोड़ USD आई, तो आपको 1 करोड़ USD अलाउड नहीं है, 50 लाख तक ही अलाउड है विदाउट परमिशन, 50 के ऊपर जाएगा तो अप्रूवल लगेगी। ठीक है, क्योंकि विच एवर इज लेस बोला है, अगर ये 40 लाख आ रहा है तो 40 लाख आपका लेस हो गया, 1% ऑफ 3 ईयर्स अर्निंग, ये अगर 40 लाख USD आया तो 40 लाख आपका लेस हो गया, तो 40 लाख तक के आपको परमिशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। फिर दूसरा ये भी आसान है, ये याद रखने वाली पॉइंट है, ये भी कमीशन पर ट्रांजेक्शन, ये तब की बात हो रही है जब आप सेल ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया कर रहे हो, यानी प्लॉट्स भारत में खरीदे बेचे जा रहे हैं, उसका कमीशन आप पे कर रहे हो टू अ नॉन रेसिडेंट, भारत के बाहर आप पे कर रहे हो। तो अब इससे आपको एक पॉइंट समझ जाएगा कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिटेड वाला है, कि भारत के बाहर का व्यक्ति भारत में आके अगर रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्लॉट्स खरीदेगा तो ये परमिटेड रहेगा, वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, इसके ऊपर का कमीशन, यानी हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम बात कर रहे हैं कमीशन टू एजेंट्स, यानी कोई व्यक्ति ने भारत में रेसिडेंशियल प्लॉट्स खरीदा, कमर्शियल प्लॉट खरीदा, और उसको हम कमीशन दे रहे हैं, जिसने ये बिकवा के दिया उसको हम कमीशन पे कर रहे हैं, जो फॉरेन का व्यक्ति है, तो यहाँ पे एजेंट जो है, एजेंट PROI है, लिखिए अब्रॉड, तो ये बाहर का व्यक्ति है, इसको हम कमीशन पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने भारत के कोई फ्लैट या प्लॉट्स वगैरह, प्लॉट कमर्शियल प्लॉट्स या रेसिडेंशियल फ्लैट्स बेच के दिया, उसको अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं एक्सीडिंग USD 25,000,
और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, जो पैसा आया उसके 5% से ज्यादा, या फिर 25,000 USD, विच एवर इज मोर, तो ऐसे केस में हमको अप्रूवल लगेगा। इससे कम है कमीशन तो अप्रूवल नहीं लगेगा, ठीक है। तो विच एवर इज मोर, तो आपका 25,000 USD है और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस मान लो आपका 30,000 USD होता है, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? 30,000, 25,000 काम की नहीं, ठीक है। विच एवर इज मोर बोला है, ठीक है। सो कमीशन किसको पे हो रहा है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, और यहाँ पे भारत में प्लॉट्स वगैरह या फ्लैट वगैरह खरीदे जा रहे हैं, तो उसके लिए जो कमीशन पे करेंगे उसमें भी परमिशन लगेगी, अगर इस अमाउंट के ऊपर जा रहा है तो। ऐसा नहीं बोला इसके ऊपर आप पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इसके ऊपर अगर जाएगा तभी आपको परमिशन लगेगी, तब तक आपको परमिशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन होगा इससे कम होगा तो फ्रीली परमिटेड होगा, विदाउट एनी RBI अप्रूवल आप ये कार्य कर सकेंगे, ठीक है। फिर तो इसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ जाएगा, क्योंकि कमीशन की बात हो रही है और ट्रांजेक्शन है रेसिडेंशियल फ्लैट्स या कमर्शियल प्लॉट का बेचना। फिर रेमिटेंस एक्सीडिंग USD 1 CR पर प्रोजेक्ट, अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी सर्विस लिया आपने, उसके लिए आपको 1 करोड़ USD पे करना पड़ रहा है पर प्रोजेक्ट, तो इसके लिए 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो परमिशन लगेगी, 1 करोड़ तक परमिशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 CR के ऊपर परमिशन लगती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर USD 1 10 लाख पर प्रोजेक्ट तक जा रहा है फॉर अदर कंसल्टेंसी, तो इसको 2 हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हैं, तो ये रेमिटेंस किसका है? तो कंसल्टेंसी, ये बात हो रही है थर्ड पॉइंट, कंसल्टेंसी चार्जेस की। कंसल्टेंसी को 2 हिस्से में इन्होंने विभाजित किया, अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो इसमें अलग है और अदर प्रोजेक्ट है तो अलग है। इंफ्रा प्रोजेक्ट में सीधा सीधा 1 CR USD पर प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहा है तो, ठीक है, इससे ऊपर जा रहा है तो फिर आपको परमिशन लगेगी, और अगर अदर प्रोजेक्ट्स हैं तो मोर देन 10 लाख USD पर प्रोजेक्ट, तो ऐसे केस में परमिशन लगेगी, ठीक है। कंसल्टेंसी चार्जेस आप पे कर रहे हैं, किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर वो कंसल्टेंसी है, तो 1 CR USD तक के आपको विदाउट एनी परमिशन अलाउड है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा अगर तो आपको पहले अप्रूवल लगेगी फ्रॉम द RBI। ये कोई काम का नहीं, इसमें से बोला इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो इट शैल मीन एज डिफाइंड इन शेड्यूल 1 ऑफ फेमा नोटिफिकेशन, तो कोई काम का नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर लास्ट है रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया और USD 1 लाख विच एवर इज हायर बाय एन एंटिटी इन इंडिया, एंटिटी भारत में है, बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, बट ये पैसा पे कर रही है किसी कंपनी को एस प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया। सो भारत में किसी का इन्वेस्टमेंट आया, उसके हम लोग पैसा पे कर रहे हैं, रीएम्बर्स कर रहे हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, जैसे भारत के बाहर की कोई कंपनी है भारत में आई और उसने यहाँ पे एक इनकॉर्पोरेशन किया, अब उसका खर्चा हम यहाँ से उसको रीपे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से एक एंटिटी इन इंडिया ने भारत के बाहर वो पैसा पे कर दिया, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया, तो उन्होंने भारत में जो लेके आए उससे 5% आपने पेमेंट किया है, तो 5% तक अलाउड है, उसके ऊपर जाएगा या 1 लाख USD के ऊपर जाएगा तो फिर आपको परमिशन लगेगी फ्रॉम RBI, ठीक है। सो ये एकदम सिंपल वाले ट्रांजेक्शन्स है, अगर चाहे तो हम इसके भी डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये वाले जम जाएंगे इजीली, ठीक है। सो इसमें आपको अमाउंट्स ध्यान रखना है, ये गिनती के 4 ही पॉइंट्स हैं, पहला है डोनेशन, अगर ये 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स एवरेज, सो एक मिनट, एवरेज नहीं है इसमें, ड्यूरिंग द एवरेज नहीं है, ये हटा दो, एक मिनट ये चेंज कर दो, ये गलत हो गया मेरे से, एवरेज 3 ईयर्स नहीं बोला है, सिर्फ प्रीवियस 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स बोला है, ये डिवाइड बाय 3 हटा दो, सिर्फ इनका 1% है,
ये एवरेज हटा दो, वो एवरेज की आदत है तो एवरेज हो गया, वो एवरेज लगता है अपने को बाकी जगह पे, अपन जब बाकी की लिमिट्स पढ़ेंगे हर जगह एवरेज है, तो यहाँ पे एवरेज नहीं है, सिर्फ 3 ईयर्स लिखा है, ठीक है। और 50 लाख USD ये पहला है डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई और एसोसिएशन जो हमारी एक्टिविटी से डील करता है। वैसे कमीशन, ये अगर कोई व्यक्ति हमको भारत में प्लॉट फ्लैट सेल करा के देता है उसको हम कमीशन पे कर रहे हैं, और वो 25,000 USD और 5% तक है तो चलेगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको परमिशन लगती है फ्रॉम RBI। उसी प्रकार से अगर कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसका अगर आपका 1 CR USD के ऊपर जा रहा है पर प्रोजेक्ट तो फिर आपको परमिशन लगेगी, अदर कंसल्टेंसी में 10 लाख USD के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको परमिशन लगेगी। एंड कोई भारत में कंपनी आई है उसका कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस था, कई बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके साथ कि ये एक्सपेंस हम आपको रीएम्बर्स करेंगे, वो रीएम्बर्समेंट हम कर रहे हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का, तो वो अगर 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया से ज़्यादा जा रहा है और 1 लाख USD से ज़्यादा, विच एवर इज़ हायर, तो ऐसे केस में हमको परमिशन के बाद ये अलाउड है, ठीक है। सो ये 4 केसेस बताए गए हैं। अब इसकी प्रोसीजर जो है ना आपको दी नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है कि प्रोसीजर वो है सेम एज एप्लीकेबल टू रेमिटिंग एनी अमाउंट अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो आपको लेकिन प्रोसेस बताई नहीं गई है। जब ये फाइनल लेवल पे था तो इसकी प्रोसीजर पूरी बताई गई है, लेकिन आपके कोर्स में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आपको सिंपली बोला है कि आप वही सेम प्रकार से विड्रॉ कर सकते हैं जैसे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अलाउड है। फिर इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन होंगे जो करेंट अकाउंट के हैं, तो इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबाउ 3 शेड्यूल्स देन इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन, ठीक है। आपके इसमें दिख रहा क्या पता नहीं मुझे, वो कलर कलर के कारण। क्लियर है, पूरे क्लियर है? अच्छा, वही वो कलर थोड़े ऐसे कॉम्बिनेशन हो गए, तो आपको मिलेगा जब तो प्रॉपर आपको कलर में मिलेगा तो दिखेगा उसमें, अभी ये टेम्प्रेरी नोट्स दिए आपको इसीलिए नहीं दिख रहा है, बाकी मेन नोट्स आपके पूरे कलर है, ठीक है। हाँ लिख लो, वो कलर ग्रे के ऊपर ग्रीन लिखा है, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन पोप्टी पोप्टी कलर है, ठीक है। अगर इन ट्रांजेक्शन्स के अलावा कोई ट्रांजेक्शन है तो इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन, उसके लिए आपको कोई परमिशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होगी। फिर ये 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं और कक्षा को विराम देंगे, कैपिटल अकाउंट कल होगा। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। सर एकदम से याद नहीं होंगे आपको, बट दूसरे दिन आप देखोगे याद हो जाते हैं वो चीज़, पहले दिन आज एकदम से याद नहीं होगा, आज ये याद नहीं रहेगा आपको, आज जो पढ़े वो पॉइंट्स आज के आज याद नहीं रहेंगे, पर जब हम कल पढ़ेंगे तो कल फिर से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये भी जो है लिमिट्स, ये कल आपको याद हो जाएगी, तो आप भी घर पे एक बार पढ़ोगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। पढ़ते ना, अभी बोलना नहीं पड़ता, अभी पढ़ लेते खुद से, और आपका ये साथ साथ में फेमा कंप्लीट ही हो जाएगा, आपको फिर कभी देखना ही नहीं पड़ेगा कभी, है ना, एग्जाम तक। तो एग्जाम के पहले, छुट्टियों के बाद जब रिवीजन होगा ना तब आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, या जब टेस्ट होगी क्लास टेस्ट तब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में ही याद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं लोग इसको, एक्चुअली डिफिकल्ट इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आते। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपको मैं बोलूँगा ऐसे ही रट लो, तो आप सोचो आपको कितना हैवी लगेगा ये, कि ये काय को बोला है, वो रटते बैठोगे तो समझेगा ही नहीं, तो दिमाग पे नहीं जाता फिर वो, फिर टेंशन होता है। ये भी ट्रांजेक्शन समझ लोगे तो इजीली आपको फिर याद रहेंगे, बट अगर समझोगे नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि कितना भारी एक्ट है ये। सो वैसे इतना भारी नहीं है पर लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ये फोकट के मार्क्स हैं आपके, फ्री में आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। फिर मैंने आपको बताया था
एक व्यक्ति भारत में अगर रहता है बट उसकी इनकम होती है भारत के बाहर और रेगुलर होती है, जैसे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, यूट्यूब से मेरी रेगुलर इनकम हो रही है, हर महीने मुझे पैसा मिलता है उससे, तो मैं यहाँ पे रेसिडेंट होने के बावजूद एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता हूँ। अगर ये फॉरेन करेंसी अकाउंट मैंने खोल लिया, इसमें मुझे पैसा मिल रहा है, ये पैसा मैंने कमाया हूँ, इससे मैं अगर खर्चा करना चाहूँगा तो अगेन कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फिर भले ही वो 2.5 लाख USD के ऊपर जाए तो भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने वो इनकम अर्न किया हूँ तो वो मैं खर्चा कर रहा हूँ तो उसके लिए परमिशन नहीं लगती। इन सिंपल टर्म्स आप देखो तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इससे डिप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि मैं तो फॉरेन करेंसी लेके खड़ा हूँ, उतने सारे पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, सो वो करेंसी मैं अगर खर्चा कर रहा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए अगर रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ, उसमें मेरे पैसे जमा है, वो पैसे अगर मैं खर्चा करता हूँ तो इसके लिए कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है परमिशन लेने की। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो लोग एक्सचेंज अर्न करते हैं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यूट्यूब का, मेरी एक दो सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब वगैरह और बाकी थोड़ी बहुत जिसमें मुझे फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आता है, सो मैं वहाँ रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता हूँ। दूसरा, और ये सिर्फ शेड्यूल 2 और 3 ट्रांजेक्शन, 1 तो प्रोहिबिटेड ही है, 1 तो कर ही नहीं सकते आप, लेकिन 2 और 3 में आपको परमिशन नहीं लगेगी, ना गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना ही RBI की, ठीक है। वैसे ही एक और अकाउंट होता है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है ना, वो RCF से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें, तो वो रेगुलर एक्सचेंज अर्नर है। जैसे मैं रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के बदले एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलूंगा, जिसमें मैं एक्सचेंज अर्न करता हूँ। दोनों सिमिलर नेचर के ही हैं, तो वैसे के वैसे अकाउंट होते हैं दोनों, लेकिन एक्सचेंज अर्नर्स में ज्यादा आपको ट्रांजेक्शन दिखेंगे, जैसे करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं। सिंपल, सेविंग अकाउंट में गिनती के ट्रांजेक्शन होते हैं, करंट में रेगुलर चलता रहता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वैसे ही एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है, ये बिजनेसमैन खोलते हैं, जो बिजनेसमैन है जिसकी रेगुलर फॉरेन ट्रेड चलती रहती है, या मेरा फ्रेंड है विराट, उसके रेगुलर फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आते हैं। अब वो बार बार खर्चा करेगा तो जाके पूछेगा क्या RBI को, बोलेगा भैया वो बाहर गया था, इतना खर्चा हो रहा है, 2.5 लाख के ऊपर चला गया। चले भी जाते हैं इन लोग के, इनके लिए थोड़ी 2 करोड़ 2.5 करोड़ कोई बड़ी बात थोड़ी है, इनके चले भी जाते हैं उतने एक्सपेंडिचर, तो ऐसे केस में वो बार बार थोड़ी परमिशन लेंगे। तो उससे अच्छा बेहतर तरीका है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल लो, उसमें पैसा आएगा, आप फॉरेन जा रहे हो उसी से खर्चा करो, उसी से फिर पेमेंट रिसीव हो रहा तो उसमें रिसीव कर लो। सो ये रेगुलर आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो सेम ऐसा एक अकाउंट होता है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, दोनों एक ही प्रकार के अकाउंट है, तो RCF अकाउंट और एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EFC बोलते हैं। सो ये दोनों अकाउंट से अगर आप पैसा खर्चा करते हो तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन, एंड शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड ही है। तो ऐसा नहीं कि अपन ने पैसा कमाया तो जाके मस्त अपन लॉटरी खरीद रहे, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है, वो तो प्रोहिबिटेड ही है, ठीक है। सो एग्जम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम RCF अकाउंट, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वेयर एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 अबव फ्रॉम रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम EEFC अकाउंट, इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, 1 प्रोहिबिटेड ही है, फ्रॉम एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट EEFC अकाउंट, देन नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। लेकिन EEFC में एक और पॉइंट है, दो चीजों के लिए आपको अप्रूवल लगेगी ही। तो दो चीजें, पहली रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब, जो इंश्योरेंस कंपनी PNI क्लब के मेंबर्स होते हैं, इसके लिए आपको अप्रूवल लगेगा ही, इवन इफ द पेमेंट इज फ्रॉम EEFC अकाउंट। वैसे ही दूसरा, जब आप रेसिडेंशियल फ्लैट्स या कमर्शियल प्लॉट्स के बदले कमीशन पे कर रहे हैं 5% या 25,000 से ज्यादा का, ठीक है, सो ऐसे केस में आपको लगेगा ही अप्रूवल, इवन इफ इट इज फ्रॉम द EEFC अकाउंट तो भी आपको ये लगेगा ही, ठीक है। तो हाउएवर इफ द पेमेंट हैज टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये दो ट्रांजेक्शन जो ऊपर हमने पढ़े थे, एक ये वाला कमीशन वाला जिसमें RBI की अप्रूवल लगती है तो इसमें लगेगी ही, और एक शेड्यूल 2 में लास्ट ट्रांजेक्शन PNI क्लब का, ठीक है। तो ये दो ट्रांजेक्शन के लिए आपको परमिशन लगेगी ही, ठीक है, बाकी के ट्रांजेक्शंस अगर आप ये अकाउंट से करते हैं तो उसमें परमिशन नहीं लगती। सो दो ट्रांजेक्शन में परमिशन लगेगी, पहला रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब एंड दूसरा कमीशन
पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट्स, ये पर ट्रांजेक्शन है टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया, जिसमें यूएसडी 25,000 या 5% विच एवर इज मोर, उतना अगर उससे ज्यादा का अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा ये वाला भी है, इसमें थर्ड यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, रेमिटेंस एक्सेडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया और यूएसडी 10 लाख, ये वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस वाला, ये वाला पार्ट है, ये भी है, तीन पॉइंट है इन्हें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। उसी प्रकार से एक और पॉइंट है जो ऑलरेडी बता दिया, एग्जम्पशन फ्रॉम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाइल ऑन अ विजिट अब्रॉड, तो इसमें परमिशन नहीं लगती। इफ अ पर्सन इज ऑन अ विजिट अब्रॉड ही कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 इफ ही इनकर्स इट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, शेड्यूल 3 वाला, यानी गवर्नमेंट वाले नहीं बट बाकी के जो है जो RBI अप्रूवल वाले। फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो मैंने एक दो बार नाम लिया वो क्या है वो बताया है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ये स्कीम है जिसमें ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू USD 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो देखो मैं बोला था आगे मैं बताऊंगा, ये दोनों जोड़ के हैं, इंक्लूडिंग माइनर्स है और ठीक है, तो सब रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स ये फ्रीली 2.5 लाख USD पर फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकते हैं फॉर एनी कैपिटल और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फॉरन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द पर्पज मैंशन इन पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट रूल्स। तो ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी शेड्यूल्स हैं, इसका जो शेड्यूल 3 में बताए गए हैं, परमिसिबल शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 आपको कहीं पॉइंट वाइज एक लिखा होगा तो पढ़ते हुए देख लेंगे अपन, मिल जाएगा आगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स है, ये CAT है ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ठीक है। शेड्यूल 3 या तो हो सकता है आपको इधर नहीं होगा, सो मैं आपको बता दूंगा वैसे। तो ये इंक्लूडिंग है, दोनों जोड़ के है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के भी जो रूल्स है ना वो जोड़ के है ये ठीक है। तो ये CATN है, करेंट अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है। हाँ करेंट अकाउंट यानी CUAT लिखते हैं अपन जनरली ठीक है। फिर माइनर है तो क्या होगा, सो अगर माइनर रेमिटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिहाफ पे काउंटर साइन किया जाता है बाय माइनर्स नेचुरल गार्डियन। स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह वगैरह। फिर कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली मेंबर्स जितने भी है सबकी लिमिट को आप कंसोलिडेट करके विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फैमिली मेंबर कंप्लाई करना चाहिए विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी मैक्सिमम 2.5 लाख की लिमिट तक अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सबके इससे इतना तक के विड्रॉल कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है बट ये अभी पढ़ने का वक्त नहीं है, ये कल अच्छे से समझा के बताऊंगा, है छोटा सा ही बट समझ के पढ़ेंगे तो इजीली याद रहेगा। सो आज हो गई 2 तारीख, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कल, पूरा देखते हैं, और परसों फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह भी डिस्कस करना है अपने को। परसों तो छुट्टी है, मंडे को वैसे भी अपनी क्लास अभी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, हाँ 7 तारीख तक है, तो अभी 2 हो गई, आज 3, 5, 6, 7, यानी अपने को 4 क्लास और मिल रही है, शायद अपना 6 को ही हो जाए फिर देखते। क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक को भी टाइम लगता है, अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलो सो कंक्लूड करते हैं, और कल से टाइमिंग चेंज हो रहा है आपको पता है, तो कल से पहले टैक्स होगा, उसके बाद फिर अपनी क्लास रहेगी और 11 बजे से रहेगी अपनी ठीक है। सो 11 से 12:15 बोला मैंने, ज़रूरत नहीं है अपने को 12:30 तक, तो 1.5 घंटे की क्लास सफिशियंट है अर्ली बर्ड में। चलो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।